हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि डेली आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेके आएंगे हम, तो उसी कड़ी में आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अपना नया लेक्चर है न्यूमेरिकल्स करने हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। ध्यान से सुनना, ये न्यूमेरिकल्स हैं अपने। आपको कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, मैं आपको ये लगातार इस पे अपने बोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आएगी, आप स्टेटमेंट को नोट कर लेना, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना, फिर हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको ये बोला गया है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, द मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गिवन समथिंग, जो आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चली गई है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चली गई है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्सलरेट करता है, एक्सलरेट मतलब मूव करता है वो कहां से, फ्रॉम रेस्ट, किसके अंदर, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, उसकी स्ट्रेंथ आपको गिवन है 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। आपसे पूछा गया है कि जब वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, इतनी स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, तो आपसे बोला गया 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने टोटल कितना टाइम लिया। यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल। ओके, ठीक है भाई। देखो, हम इसको ऐसे समझते हैं, ये मान लिया अपने पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ज़ूम कर ली, ये मान लिया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको दे रखी है यहां पे 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब गिवन है। आपको ये बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये ज़ूम कर रहे हैं मेरे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट करता है फ्रॉम रेस्ट, दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इलेक्ट्रॉन ये इनिशियली रेस्ट कंडीशन पे है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ठीक है भाई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। आपको ये बोला गया है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा ना इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे चलता है मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है, तो आपको ये बोला गया 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए यहां से लेकर यहां तक, हमारे में पास ये ए पॉइंट है, ये माने इलेक्ट्रॉन यहां बी पॉइंट पर पहुंचा, तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसने कितना टाइम लिया, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन बाय दिस इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट बाय कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो यहां पर बेसिकली हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे हम। तो हमें एक बेसिक बात पता है, देखो आपको दे रखी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है। यू कैन से 6×10⁻²⁻² मीटर आपको डिस्टेंस दे दी हुई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी आपको, E, मतलब कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होगा, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम गिवन भी है भाई, दे रखा है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसको भी लिख लेते हैं, माइनस का 31 किलोग्राम ये आपको मास दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है टाइम निकालो, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर जब आपको टाइम निकालना होता है या कोई भी और वैल्यू निकालनी पड़े, कई बार वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, कई बार डिस्टेंस निकालनी पड़ती है, तो इन सभी क्वेश्चंस के अंदर यू हैव टू फाइंड सम एक्सेलरेशन, आप कुछ एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, कुछ एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल करता है ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, बोला गया है एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, तो आपको इसकी एक्सेलरेशन चाहिए। अब यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, इस कॉन्सेप्ट का आपने यूज करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, आगे मैं डायरेक्ट यूज भी करूंगा उसका, तो मैं कॉन्सेप्ट एक बार आपको बता देता हूं एक्सेलरेशन के लिए। इसको हम ये बोलते हैं भाई कि एक्सेलरेशन ऑफ ए चार्ज,
एक्सेलरेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड. एक चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी. इस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा मैं यहां पे, मैं एक बार इसको साइन बता रहा हूं यहां पे और फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर डायरेक्ट यूज करूंगा, दोबारा नहीं बताएंगे वहां पे हम आपको. तो ये ऐसे होता है, देखो जिस तरह मान लिया अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाती है, मान लो फोर्स लगाई क्यू ई, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल क्यू है तो फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल क्या होती है, क्यू ई होती है. ठीक है भाई, तो यहां से जो फोर्स आई अपने पास, फोर्स किसके इक्वल आई अपने पास, क्यू ई के इक्वल आई है. लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, एम ए के इक्वल. दोनों इक्वेशंस को अगर मैं इक्वेट करता हूं यहां से, दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट करें तो क्या बना, क्यू ई इज इक्वल टू एम ए. तो ए इज इक्वल टू कितना अपने पास बेटा, क्यू ई बाई एम. This is the acceleration of charged particle when charged particle accelerate in electric field. अगर charged particle electric field में accelerate करता है, तो उसके पास इतनी acceleration होगी. तो ये acceleration मैं इस relation को कई जगह use करूँगा, ध्यान रखना. तो यहाँ पर भी हमें use करना पड़ेगा इस question के अंदर भी. ठीक है, भी use करेंगे. तो आपको क्या चाहिए, time. Given क्या आपको, distance. तो आपको find out करना है time. तो equation S is equal to ut plus half at square, ये होगी. आपको बोला है भाई accelerated from rest, accelerated from rest मतलब u क्या होगी, zero. S कितना है, 6 है. तो S is equal to, ये तो हो गया 0, तो half a कितना है, q e y m, acceleration जो मैंने अभी find out करी है, q e y m into t square. चाहिए क्या आपको, t की value चाहिए है. तो यहां से इस इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, t square is equal to 2m, इधर मल्टीप्लाई कर दिया भाई. ठीक है, 2ms डिवाइड बाय qe. आपको चाहिए टाइम, तो टाइम क्या बन गया, 2ms डिवाइड बाय qe का रूट. अब आप ये देख लो यहां पर जो वैल्यू आपको दे रखी है, क्या सारी की सारी वैल्यू आपके फॉर्मूले के अंदर जो आपको चाहिए, क्या वैल्यू गिवन है, बिल्कुल है भाई. 2 मास, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास आपको दे रखा है. डिस्टेंस कितने ट्रैवल करी है, डिस्टेंस ट्रैवल करी 6 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस होगी मीटर में कन्वर्ट कर लिया. चार्ज आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको दे रखे, सारी सारी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर होगा. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास हम लोगों ने करा, आई थिंक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे अभी. ठीक है भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपके स्क्रीन के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप, इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कोई मुश्किल नहीं है, अपने आप ही कर सकते हो आप. मैं एक बार आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, फिर तुम अपने आप स्क्रीन को पॉज करके फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करना. आपको ये बोला था एक पार्टिकल है, उसका मास आपको दे रखा है 10^-3 किलोग्राम. मैं लिख लेता हूं, मास दे रखा है आपको 10^-3 किलोग्राम. ठीक है भाई, मास गिवन है. फिर आपको बोला उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज दे रखा है 5 माइक्रोकूलम. ठीक है भाई, 5 माइक्रोकूलम उसके ऊपर चार्ज दे रखा है, 5 माइक्रोकूलम है. तो मैं इसको 5×10^-6 कूलम लिख लेता हूं पहले ही. आपको बोला भी थ्रोन एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करा है अगेंस्ट, इंपॉर्टेंट है वर्ड, अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2×10^5 न्यूटन पर कूलम. आपको ये बोला था क्वेश्चन में क्लियर है, बिल्कुल सारी बातें बता रखी है. क्या बताया उसने, उसने बता भी कोई चार्ज पार्टिकल है, उसका मास दे रखा है, उसका चार्ज दे रखा है, उसको बोला भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. ये बेटा मान लिया आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया मैंने, ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी आपको, इसकी वैल्यू दे रखी आप कितनी है, ये वैल्यू अपने पास 2×10^5 न्यूटन पर कूलम.
आपको ये बोला गया कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है ना वो एक्सेलरेट करता है विद दिस स्पीड, इस स्पीड से हमने इसको लॉन्च करा है अगेंस्ट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ये चार्ज पार्टिकल हमने इस डायरेक्शन के अंदर लॉन्च कर दिया। कितनी स्पीड से लॉन्च कर दिया, u आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने इसको लॉन्च कर दिया। ठीक है भाई, पूछा क्या गया आपसे, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंट। आपसे बोला गया भाई कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल, मान लो मेरे पास ये क्यू चार्ज पार्टिकल है, आपने 20 मीटर पर सेकंड से स्ट्रक थ्रो कर दिया इसको, तो ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे आया, लेकिन जब ये इस तरफ आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड गया है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाती है अपने पास से, वो जो फोर्स किसके इक्वल होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है क्यू ई के इक्वल होगी, अपने पास इस डायरेक्शन में फोर्स लगती है कितनी, क्यू ई। ठीक है, इसका मतलब ये होगा जब ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आने से रोकेगी, रोकेगी तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पे आके रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी इसकी। पूछा क्या गया आपसे, यू हैव टू फाइंड हाउ मच डिस्टेंस इसने चार्ज ने यहां से यहां तक रेस्ट पे आने के लिए टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ऐसा पूछा गया है। ठीक है भाई, काउंट कर सकते हैं वैसे को कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास फॉर्मूले हैं बहुत सारे एस को काउंट करने के, डिस्टेंस को काउंट करने के लिए। बेसिक चीज क्या है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो आपको इसकी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, क्यू ई बाई एम के इक्वल होगी। ठीक है भाई, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन अब मैंने अप्लाई करी, आप थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके मैंने v square minus u square is equal to क्या होगा 2as, क्या फाइंड आउट करने आपको s फाइंड आउट करने, s is equal to v square minus u square divided by 2a। अब जो a होगी, a कितनी है यहाँ पे, a का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, q e by m, q e by में m होगी। अब इस केस में जो एक्सेलरेशन है ना q e by m, मैं इसको नेगेटिव लूंगा, नेगेटिव लूंगा इसको, नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल जो गया है वो अगेंस्ट दी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गया है, तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया यहां पे, तो यहां पर s इज इक्वल टू v, v कितना है 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है आपको गिवन है, स्पीड दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड, 20 का स्क्वायर कितना हमारे पास 400 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू यहां से निकाल लो एक बार आप, कितना है माइनस का q, क्यों कितना अपने पास दे रखा है चार्ज 5 × 10⁻⁶ कूलम, माइक्रो कूलम दे रखा था मैंने, कूलम में कन्वर्ट कर लिया, इनटू में ई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 2 × 10⁵ डिवाइड बाय मास, मास कितना दे रखा है आपको, मास की वैल्यू है 10⁻³। सॉल्व करो इसको, 5 × 10⁻³ कैंसिल, 20 एक्सेलरेशन आ गया यहां पे 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा मैंने यहां पुट कर दी इनटू में कितना मेरे पास माइनस का 1000। सॉल्व करो बेटा इसको, सॉल्व करो इसको, वैल्यू कितनी बनी, s इज इक्वल टू माइनस का 400 डिवाइड बाय नीचे कितना है माइनस का 2000। सॉल्व करो बेटा इसको, यहाँ का मेरे पास यहाँ से माइनस कैंसिल 2, s इज इक्वल टू आपका 0.2 मीटर, कैलकुलेट करके देखोगे x जो डिस्टेंस की वैल्यू आई बेटा अपने पास वो 0.2 मीटर, यस दिस इज योर राइट आंसर, आंसर आपके पास 0.2 मीटर। तो ये क्वेश्चन नॉलेज अपने पास, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, इसको करना अपने आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं एक बार, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, हाँ भाई आपको ये बोला गया है
कैलकुलेट द वोल्टेज. अभी वोल्टेज निकालने में यहां पे एक कॉन्सेप्ट आया है जो 12th में स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं तो वोल्टेज का टॉपिक आता है, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आएगा अपने पास, वहां भी पढ़ेंगे हम. तो यहां पर वोल्टेज आपसे पूछी गई है, नीड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स. एक ऑयल ड्रॉप हो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है ऑयल ड्रॉप के पास. व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर आपको दे रखा है, कैपेसिटर आपको बताऊंगा अभी क्या होता है, विच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट, 5 मिलीमीटर की डिस्टेंस दे रखी है. मास गिवन है ऑयल ड्रॉप का, g की वैल्यू 10 लेनी है, v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज फाइंड आउट करनी है. पॉइंट को समझो, आपको ये बोला गया अभी कि ये कैपेसिटर है. मैं कैपेसिटर आपको बताया था बेटा एक बार 12th क्लास में स्टार्टिंग में, नहीं पता बच्चों को, फिलहाल तो आप ये याद करके चलो कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, कई तरह के कैपेसिटर होते हैं. फिलहाल हम पैरेलल प्लेट की बात करें, इसने बोला भाई कैपेसिटर है, कैपेसिटर दे रखा है, उसकी दो प्लेट है, प्लेट्स के बीच में गैप दे रखा है 5 मिलीमीटर. ये जो दोनों की दोनों प्लेट है बेटा, इनके बीच में गैप दे रखा है 5 मिलीमीटर. कैपेसिटर में आपको बता दूं बेटे, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, दो प्लेट होंगी, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है, दो प्लेट होती है. फिलहाल इतना ध्यान रखना कैपेसिटर के बारे में, हमें तो फिलहाल न्यूमेरिकल पे फोकस करो. क्या कहा गया है, पूछा क्या गया है आपको, बोला भाई वोल्टेज निकालनी है इन दोनों प्लेट के बीच में, वोल्टेज कितनी है वी आपने फाइंड आउट करनी है. ठीक, अभी निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. किसके लिए, आपको बोला भाई यहां पे एक ऑयल ड्रॉप है, एन ऑयल ड्रॉप, ये मान बेटा ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप दे रखी है. ये जो ऑयल ड्रॉप दे रखे आपने बोला गया, इस ऑयल ड्रॉप के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन है. तो मतलब अगर मैं यहां पे आपको फाइंड आउट करूं यहां पे, तो टोटल जो चार्ज होता है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूले के हिसाब से क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई. तो इसने n दे रखा भी 10, तो q is equal to n तो दे दिया 10, e मतलब चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻¹⁹, तो q कितना आ गया अपने पास यहां पे 1.6 × 10⁻¹⁸ कूलम हो गया, कि भाई कितना चार्ज है, संख्या किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेट चार्ज के ऊपर नेगेटिव है. आपको ये बोला कि ये जो ऑयल ड्रॉप है ना, ये आपने यही एयर में ही बैलेंस करनी है. आपको बोला गया है कि आपको इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने का मतलब ये यहां पे एयर में है, इसको नीचे जाने से रोकना, आपने नीचे नहीं गिरने देना. तो नीचे जाने से रोकने के लिए पहले तो आपने देखो नीचे जा क्यों रही है, क्योंकि कोई बॉडी नीचे जाती है किसकी वजह से, उसके वेट की वजह से, mg ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो इसको हमें नीचे जाने से रोकना है. कब रुकेगी नीचे जाने से, जब रुकेगी जब इसके ऊपर कोई कोई फोर्स ऊपर की तरफ लगे. अगर मान ले जितनी फोर्स नीचे लगी हुई है, अगर उतनी फोर्स हम ऊपर लगा दें इसके ऊपर, तो ये जो ऑयल ड्रॉप है ये नीचे आना बंद कर दे, मतलब ये क्या करेगी यहां पे बैलेंस हो जाए, स्टेबल हो जाएगी. ठीक है भाई, तो फिर यहां पर ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगाएगा, ये प्लेट लगाएगी जिनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाएगी. ठीक है, फोर्स नेट फोर्स किधर लगेगी, देखो ये चार्ज नेगेटिव है ऑयल ड्रॉप ही, ये जो ऑयल ड्रॉप है आपकी, ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज नेगेटिव है क्योंकि इसके पास 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है. तो इसके ऊपर नेट फोर्स कहां लगेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करती है. तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितनी लगी, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है किसके इक्वल होती है, क्यू ई के इक्वल होती है, तो क्यू ई. ठीक है भाई, तो आप मुझे बताओ ये जो ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप विल बैलेंस इन एयर, यहां पर बीच में जो भी एयर मान लो वैक्यूम था, तो ये बैलेंस कब होएगी, बैलेंस जब होएगी जब क्यू ई किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल होगा, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी. अब आपसे पूछा क्या गया, पूछा तो वी गया है, ई तो नहीं पूछा ना, ई की वैल्यू दे रखी,
तो बेटा मैं आपको यहाँ पे रिलेशन बता देता हूँ, ये रिलेशन आगे आएगा अपने, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो E होती है ना, E इज इक्वल टू एक रिलेशन होता है V बाई डी होता है, E इज इक्वल टू V बाई डी, डी होती है ये डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, V है इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, E होगी यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस रिलेशन में यूज करना आपने। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता तो क्या बना, क्यों V by D is equal to mg, क्या चाहिए V चाहिए भाई, V निकाल लो यहां से, आ गया रिलेशन अपने पास, क्या बना V is equal to, हाँ तो बेटा mg D divided by Q, mg D divided by Q, आप वैल्यू देख लो जो आपके पास चाहिए आपको, क्या सारी वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल मिलेंगी, देखो V is equal to mass, मास कितना क्यों ना आपको ऑयल ड्रॉप है, बैलेंस करने होने, ये मास दे रखा है इसका, मास ऑफ एन ऑयल ड्रॉप 3 × 10⁻¹⁶ किलोग्राम, तो मास आपको दे रखा है 3 × 10⁻¹⁶ किलोग्राम, जी जी की वैल्यू आपने लेनी है 10 × 10 × d, डी मतलब दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, ये होगी डी, डी कितनी है, ये है डी 5 मिलीमीटर, 5 × 10⁻³ मीटर, सोल्व कर लेते इसको, सिंपलीफाई कर लेते हैं, वैल्यू पुट करो, ठीक है भाई, 5 × 10⁻³ डिवाइड बाई क्यू, चार्ज ऑन दी ऑयल ड्रॉप कितना है, ऑयल ड्रॉप पे चार्ज या गया भाई, कैलकुलेट करा था 10 इलेक्ट्रॉन थे, मल्टीप्लाई करके क्वांटाइजेशन अप्लाई करके अपने पास क्वेश्चन आ गया था, क्यू की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁸, सोल्व करो भाई, वी इज इक्वल टू, सॉल्व करो ये वैल्यू, वही आएगी अपने पास 9.375 वोल्ट आएगी, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला, यहां से एक नई चीज मैंने आपको बताई है, नया फॉर्मूला बताया है, E इज इक्वल टू V बाई डी, ये पुट कर लेना यहाँ पे, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये रिलेशन आपका आगे आएगा जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेंगे, तब ये वैल्यू, तब ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है, सिमिलर है, अपने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसान है, करने की कोशिश करना, वैल्यू जो आपको दे रखी है उसी के हिसाब से चलना है, अपने आप अपनी तरफ से कोई भी बात अजूम नहीं करनी, आपको ये बोला गया भाई, देखो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्लियर कट बोला गया आपको, बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि भाई कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, क्या कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप, एक वाटर ड्रॉप को सपोर्ट करती है, इतना मास दे रखा है वाटर ड्रॉप का 10⁻³ किलोग्राम, एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने अभी करा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा फर्क है बस उसमें, आपको ये बोला गया कि ये ऑयल ड्रॉप है, सॉरी वाटर ड्रॉप है, इसका मास आपको दे रखा है वाटर ड्रॉप का 10⁻³ किलोग्राम, सब कुछ गिवन है, हम अपनी तरफ से कोई मास नहीं मान रहे यहां पे, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है, चार्ज दे रखा है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना यहां पे चार्ज आपको दे रखा है, आपको ये बोला गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो जो इसको सपोर्ट करे, सपोर्ट करे हम जो इसको यहां पे बैलेंस कर दे, नीचे जाने से रोके इसको, अब ये नीचे जाएगी किसकी वजह से, mg की वजह से, तो इसको नीचे जाने से रोकने के लिए ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है भाई, तो यहां से क्योंकि ये हो गया अपने पास mg, तो ये वाटर ड्रॉपलेट सपोर्ट मतलब बैलेंस कब होगी, बैलेंस होगी जब क्योंकि इज इक्वल टू क्या होगा mg होगा, पूछा क्या गया है, E पूछा गया है, तो E is equal to कितना बेटा mg by Q, वैल्यू सब कुछ आपके सामने है, पुट कर लेना आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी गई है, मास दे रखा है, g की वैल्यू आपको पता है, q की वैल्यू आपको पता है, आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं, अभी ज्यादा नहीं हम 6 to 7 क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ टॉपिक अपने पास ही न्यूमेरिकल हैं, इलेक्ट्रिक
के फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर सकते हो आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन अभी कैलकुलेट द वोल्टेज नीड टू बैलेंस एंड ऑयल ड्रॉप, ये क्वेश्चन एक्चुअली में रिपीट हुआ अपना, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं। क्वेश्चन तुमने अपने आप करना है, ध्यान रखना है। मैंने करा क्या है, कैलकुलेट द वोल्टेज नीड टू बैलेंस एंड ऑयल ड्रॉप कैरिंग, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन की बजाय मैंने कर दिया यहां पे 60 इलेक्ट्रॉन कर दिया मैंने 60 इलेक्ट्रॉन। When placed between the plate or capacitor which are 5 mm apart, इसको 5 mm को आपने लेना है, यहाँ पे मैंने zoom कर लिया, मतलब 20 mm है, 20 mm, और mass of oil drop हमने zoom कर लिया, माने अपने पास 6 × 10⁻¹⁶ किलोग्राम है, मैं zoom करके चल रहा हूँ यहाँ पे। आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करना है by self, अपने आप ही क्वेश्चन तुम लोगों ने करना है बाय योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। 11th का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, 12th का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, इंपॉर्टेंट है, आसान है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल फिजिक्स में न्यूमेरिकल मुश्किल होते नहीं है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए मुश्किल लगते हैं। फिजिक्स को आप जितना टाइम दोगे, जितना आप लिखने की कोशिश करोगे, उतनी फिजिक्स आसान हो जाएगी आपके लिए। अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो भाई फिर तो कोई इलाज नहीं है, किसी के पास भी, भर्मा के पास भी इलाज नहीं है, भर्मा आपको पता है भाई। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको ये कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से, ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम, ये पेंडुलम है भाई, मास आपको दे रखा है इस पेंडुलम का 80 मिलीग्राम आपको मास दे रखा है पेंडुलम का, ठीक है भाई, इज एट रेस्ट, और इसमें चार्ज दे रखा है 80 किलोग्राम इसका मास है, कैरी के चार्ज ऑफ 2 × 10⁻³ इस पे चार्ज आपको दे रखा भाई 2 × 10⁻³ कूलम का चार्ज आपको दे रखा है। इज एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेस्ट पे रखा भाई, और यहां पर हमने क्या करा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी बेटा हमें, कौन सी डायरेक्शन के अंदर, हॉरिजॉन्टल आपको बोला गया है, आपको ये कहा गया है इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जब इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपका पेंडुलम बॉब है इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, क्योंकि आप इसको पेंडुलम बॉब मत सोचो, आप ये सोचो ये तो चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ चार्ज दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, इस तरफ कितनी फोर्स लगाई इधर QE, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस तरफ फोर्स लगाएगी तो ये पेंडुलम बॉब अपनी पोजिशन को छोड़ के कुछ इस तरीके से चला जाएगा, इस तरीके से चला गया पेंडुलम बॉब, डिस्प्लेस हो गया, और इसने वर्टिकल के साथ एंगल बना दिया, मान लिया थीटा, थीटा एंगल बना दिया इस पेंडुलम बॉब ने, ठीक है भाई। आपसे पूछा गया है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, ई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है भाई, वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, दो यूनिट होती है यहां पर, एक न्यूटन पर कूलम होती है, एक वोल्ट पर मीटर होती है, वो जो मैंने रिलेशन अभी आपको बताया था ना, कौन सा, E = V/D, इसके हिसाब से V मतलब वोल्ट, D मतलब मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, तो ये E हो गया भाई, E आपको गिवन है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, जो ये थ्रेड आपको दे रखा है ना, ये थ्रेड इसके अंदर टेंशन कितनी आएगी, एंड एंगल मेक इट्स इट विद द वर्टिकल, इसने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया,
और जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आई, ये दो चीज आपने काउंट करनी है, ठीक है। अब यहां देखो टर्म, इससे पेंडुलम बॉब के ऊपर कितनी कितनी फोर्स लगी हुई है। ये जो पेंडुलम बॉब है इस पे डाउनवर्ड तो लगेगा भी वेट mg, तो इसका मास है कुछ है कुछ। इस डायरेक्शन के अंदर लगी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा रहा है कि कितनी क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन आ गई कितनी t, टेंशन आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे टेंशन को मैं रिजोल्व कर लेता हूं। अगर आप इस टेंशन को रिजोल्व करो तो टेंशन आएगी बेटा, यहां से रिजोल्व कर लिया मैंने, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ चला गया, एक कंपोनेंट इस तरफ चला गया, ये एंगल बन गया बेटा थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो रिजोल्व करो बेटा हमने इसको, ऊपर की तरफ क्या गया टी कोस थीटा, इस तरफ क्या गया बेटा टी साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन हो गया बेटा, एंगल की तरफ कंपोनेंट क्या गया कोस गया, ठीक है भाई। तो इन इक्विलिब्रियम जो ये फोर्सेस है ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगी, राइट साइड फोर्स लेफ्ट साइड फोर्स को बैलेंस करेगी। अगर बैलेंसिंग करेगी तो किसके को लाया यहां से क्या रिजल्ट बना, देखो हम क्या लिखेंगे यहां पे t sin थीटा इज इक्वल टू, क्या मैं क्यू e के बराबर लिख सकता हूं, t sin थीटा क्यू e बराबर होगी, और t cos थीटा किसके इक्वल होगा बेटा एम ए जी के इक्वल होगा, ये एम जी होगी, ठीक है भाई। यहां से दो वैल्यू निकालनी आपको, एक टेंशन निकालनी एक एंगल निकालनी, बिल्कुल यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, इक्वेशन वन बाई टू, इक्वेशन वन को टू से अगर आप डिवाइड कर दो बेटा, तो टी से टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या बना बेटा क्या हो ई वाई एम जी। तो क्या पूछा आपसे थीटा पूछा, ठीक है भाई थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया टेंजेंट इनवर्स क्यू ई डिवाइड बाई एम जी, ये थीटा की वैल्यू आ गई यहां से। अब कैसे निकालोगे, क्यू दे रखा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको, मास ऑफ पेंडुलम बॉब दे रखा आपको, जी जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, ध्यान रखना है मास मिलीग्राम में है, ग्राम में इसमें किलोग्राम में चेंज कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ये तो एंगल को आगे अपने पास वर्टिकल के साथ जो पूछा गया था, अब आपसे जो पूछी गई है क्या टेंशन, टेंशन आपने निकाल दी है, तो जो इक्वेशन 1 और 2 है वहीं से टेंशन भी आ जाएगी। कैसे, जो मैं वहां यहां इस तरफ लिख देता इसको, इक्वेशन 1 और 2 को आप स्क्वायर करके ऐड कर दो तो क्या बना t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर e स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर। इस इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायर करा फिर हमने क्या किया इसको ऐड कर दिया। यहां से अगर आप ध्यान से देखो t स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर e स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी बन गई 1, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया उस तरफ रूट हो जाएगा, ये टेंशन आ गई मेरे पास, वैल्यू पुट कर लेना आंसर आ जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर। ये टेंशन आ गई मेरे पास यहां से, ये एंगल आ गया, वैल्यू सारी आपको गिवन है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन करने का कष्ट कर लेना घर पे बैठ के, ठीक है भाई। ओके हमने कर लिए कुल क्वेश्चन 7, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मैं केवल एक छोटा पॉइंट बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को, तुमने अपने आप ही ट्राई करना है, अपने आप ही करना है इस क्वेश्चन को, मैं केवल एक छोटा पॉइंट बताऊंगा इसके अंदर, तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस करनी इस क्वेश्चन की। आपको ये बोला गया है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि भाई कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट बैलेंस ए न्यूट्रॉन ऑफ मास दिस, आपको ये जी इक्वल टू 10 देनी है। पहले मैं आपको बस ये बता दूं यहां से,
मुझे बस ये पार्टिकल बताना है क्या होता है। जो ये ड्यूट्रॉन की बात आई है ना इस क्वेश्चन के अंदर, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन एक्चुअली में कोई अलग चीज नहीं है, ये कि आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। तीन आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, सभी को पता है, 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ड्यूटेरियम का पार्टिकल ड्यूट्रॉन होता है, 1H2 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसका जो मास होगा ना वो 2 times of proton होगा। मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो होता है वो 2 times of mass of proton होता है, प्रोटॉन के मास का डबल होता है। और चार्ज जो होगा इसके ऊपर, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन जो होता है वो 1.610⁻¹⁹ कूलम होता है, ये ध्यान रखना उस तुम लोगों ने। और ये जो पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये तीन बातें ध्यान रखनी है। इसका जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास का डबल होता है, इस पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, 1.610⁻¹⁹ कूलम। और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताओ इसको बैलेंस करने के लिए। बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको, ये न्यूट्रॉन है, नीचे तरफ क्या एक्ट करेगा एमजी, इसको नीचे तरफ जाने से रोकने के लिए ऊपर की तरफ बैलेंस कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी कितनी, क्यू ई। आपसे पूछी क्या गई है, ई की वैल्यू बताओ ताकि ये बैलेंस हो जाए, क्या करोगे, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। QE = mg, किसकी वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू निकाल देंगे यहां से हम, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन करे, अब ये अपना लास्ट क्वेश्चन अभी आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है अपनी, कई अलग अलग जो टाइप थी वो क्वेश्चंस के हमने कवर करे हैं यहाँ पे। तो आखिरी प्रश्न है भाई आज का, देखो स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार, स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, कैसे कैलकुलेट करना है, कोई अलग चीज है पूछी गई है या नहीं है, या वही पुराना कॉन्सेप्ट लगेगा, देखते हैं हम, पढ़ने से पता लगेगा। तो भाई आपको ये बोला, ए चार्ज ऑयल ड्रॉप।